हेलो स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेज़र हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लैक्स एम एच सी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लैक्स फ्रॉम वेयर द टर्म हैज़ कम हिस्टो कंपेटिबिलिटी हिस्टो मीन टिश्यू एंड कंपेटिबिलिटी मीन्स यू नो कंपेटिबिलिटी द मैचिंग विद ईच अदर और

बट दे डू नॉट टॉलरेट द फॉरन सेल्स ठीक है फॉरन सेल्स हैं वायरस बैक्टीरिया फंजाए विच हैवर द फॉरन सेल इज देअर देयर इज द इम्यून रिस्पॉन्स इन आर बॉडी ठीक है तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है आइद थ्रू बी लिम्फोसाइड और थ्रू टी लिम्फोसाइट्स तो बी लिफोसाइट्स या टी लिफोसाइड जो हैं दे एक्ट अगेन द फॉरन एंटीजन नाउ वट कैन हैपन दे दीज इम्यून सेल्स दे कैन आल्सो डिस्ट्राई अवर ऑन सेल्स ठीक है जब उन्होंने फेगोसिटाइज करना ही है सेल्स ने तो वो फ़ॉरन मटेरियल को छोड़कर अपनी बॉडी सेल्स को भी फेगोसिटाइज कर सकती हैं तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहचानने के लिए कि विच थिंग बिलोंग टू आवर बॉडी मीन्स दैट इज़ सेल्फ़ एंड विच थिंग डज़ नॉट बिलोंग टू आवर बॉडी दैट इज नॉन सेल्फ देर इज़ ए जीन कॉम्प्लेक्स के याद रखेंगे एक सेट ऑफ जीन्स है विच इज नोन एज द मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ठीक है तो इन शॉर्ट यू कैन से मेजर हिस्टोकम्पेटिविलिटीक्स इज अ सेट ऑफ जीन्स ठीक है द मेजर हिस्टोकम्पेटिविलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स कोडिंग फॉर अ सेट ऑफ होस्ट सेल सरफेस मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स डिराइव फ्रॉम द पेथोजन एंड डिस्प्ले दम ऑन द होस्ट सेल सरफेस फॉर रिकोगशन बाई द एप्रोप्रिएट टी सेल ध्यान से अगर आप ये डेफिनेशन देखें तो एम एच सी क्या है एक सेट ऑफ चीन्स है जो एक बहुत ही स्पेशल प्रोटीन्स कोड करते हैं ठीक है थीके? इन मोलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एम एच सी मोलिक्यूल्स ठीक है तो एम एच सी मोलिक्यूल जो होते हैं वो हमारी सेल की सरफेस के ऊपर होते हैं ठीक है थीके? और ये उस पेप्टाइड फ्रेगमेंट से बाइंड करते हैं जो कि एंटीजन का पेप्टाइड था और हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उसको तोड़ दिया था ठीक है हमने देखा था कि जब भी कोई एंटीजन आता है तो सबसे पहले उनको ए पी सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं वो उसको किल करती हैं ठीक है ए पी सी हैं डेंड्राइटिक सेल हैं लेंगर हेन्थ सेल्स हैं मैक्रोफिजिस हैं वो क्या करेंगी फ़ॉरन जो बैक्टीरिया होगा फ़ॉरन जो वायरस होगा उसको किल करेंगी किल करने के बाद उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगी और उसका एक जो पेप्टाइड होता है जब उसको प्रोसेस कर लेंगी ए उसके पेप्टाइड को अपने ऊपर एम मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर लेंगी ठीक है अब ये जो है ये जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट है जो कि एंटीजन से ड्राइव है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे एम से वाइंड है इसको प्रेजेंट किया जाएगा आगे टी ल्यूफोसाइड्स को ठीक है तो यही सारा प्रोसेस जो होता है इट इज़ थ्रू द मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ठीक है सो दीज आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन सेल्स बट फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स ठीक है हालांकि हमारी सारी बॉडी सेल्स के ऊपर एम क्लास वन प्रोटीन्स होते हैं ठीक है एम की दो क्लास पढ़ेंगे हम क्लास वन एंड क्लास टू तो एम क्लास वन जो है हमारी सभी जितनी भी न्यूक्टेड सेल्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं प्लस प्लेटलेट्स ठीक है जितनी भी न्यूक्टेड सेल्स होती हैं प्लस प्लेटलेट्स उन सभी की सरफेस पे एम सी क्लास वन होते हैं इसलिए ये आर में नहीं होते बिकॉज आर दे डोंट हैव न्यूक्लियस बट प्लेटलेट्स में होते हैं हालांकि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता तो दीज क्लास वन एम एच सी सर्फेस मोलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट ऑन आर ऑन द सर्फेस ऑफ आवर ऑल बॉडी सेल्स ठीक है एंड अच्छा अब ह्यूमन्स में ये सबसे पहले ल्यूकोसाइट की सरफेस पर डिस्कवर हुई थी इसलिए इनको हमेशा के लिए बोल दिया गया ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एच एल ए ठीक है हालांकि ये सिर्फ लिक्वसाइट्स पे नहीं होती सभी सेल्स पे होती हैं लेकिन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था लिक्वोसाइड्स पे दैट्स वाई नाउ दीज आर नोन एज द एच एल ए ठीक है एम एच सी मॉलिक्यूल सर्व एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर मैंने बताया ये रिकोगनाइज करेगा हमारी सारी सेल्स के ऊपर एम एच सी क्लास वन होगा मतलब हमारी सारी क्लास जो सेल्स हैं दे बिलोंग टू अस ठीक है आइडेंटिफिकेशन मार्कर फॉर एवरी इंडिविजुअल एज ए जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ एम एच सी जीन्स इज डिफरेंट फॉर एवरी विजुअल ठीक है हर एक इंडिविजुअल की जो जीन सीक्वेंस है एम की वो डिफरेंट होती है ठीक है इसलिए हम सबके एचएलए एच आपस में मैच नहीं करेंगे ठीक है यही प्रॉब्लम आती है जब किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो किसी का लीवर ट्रांसप्लांट करना हो या किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो तो उसमें कंपेटिबिलिटी देखी जाती है कि हमारे एच दूसरे मतलब डोनर का एच एल के एच से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है जैसे ब्लड ग्रुप मैच किए जाते हैं वैसे एच एल ए भी मैच किए जाते हैं मीन्स एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल्स ठीक है फॉलोइंग ट्रांसप्लाटेशन ऑफ ए ग्राफ्ट द दीपियंट माउंट्स द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ग्राफ्टी मोलिक्यूल एंड वाइस वर्सा ठीक है ग्रेटर द डिफरेंस द एमएससी जीन सीक्वेंस बिटवीन द ग्राफ्ट एंड द एंडियंट ग्रेट इज द इम्यून रिस्पॉस एंड ग्रेट इज द रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट ठीक है तो जितना एच एल ए आप उसमें मैच करेगा उतना ही ग्राफ्ट जो है वो ठीक रहेगा अदरवाइज रिजेक्शन हो जाएगी ग्राफ्ट की ठीक है इसीलिए इनको हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजेंस भी बोलते हैं इम्यून टिश्यू की आपस में कम्पैटिबिलिटी ठीक है तो अभी समझ में आ गया जो एम है मेजर हिस्टो कंपेटिविलिटी कॉम्प्लेक्स वो हमारी सेल्स की सरफेस पे होता है और ये मार्क करता है कि हमारी सेल्स जो हैं दे बिलोंग टू आर सेल्स मीन्स दे आर सेल्फ जो बाहर से सेल्स आएंगी उन उनपे हमारे वाले अच्छेल्य नहीं होंगी तो दे विल बी रिकोगनाइज एज नॉन सेल्फ एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड बाई अवर इम्यून सिस्टम ठीक है नेक्स्ट इज द एम एच सी जीन एच एल ए कॉम्प्लेक्स एंड देयर प्रोडक्ट्स ठीक है इन ह्यूमन एच एल ए कॉम्प्लेक्स कोडिंग फोर एमएचसी प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन शॉर्ट टर्म ऑफ कोमोजोम सिक्स ठीक है तो जो एच एल ए कॉम्प्लेक्स है जो जीन्स हैं ठीक है कॉम्प्लेक्स जो है वो जीन्स हैं और एमएचसी प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स हैं ठीक है तो MHC जीन भी है और MHC प्रोटीन भी है MHC कॉम्प्लेक्स जीन्स हैं और जो प्रोटीन्स वो बनाते हैं आर नोन एज द MHC प्रोटीन्स ठीक है तो डिज़ जीन्स आर क्लस्टर्ड इन थ्री रीज़न्स नाम्ड एस MHC वन टू एंड थ्री सो हेयर आर जस्ट मिनट हेयर आर द हेयर दिस इज द होल जीनोम सॉरी होल दिस इज द होल सेट ऑफ जीन्स विच कोड फॉर द एम एच सी मॉलिक्यूल तो हमारे पास मेनली तीन टाइप के एम एच सी होते हैं क्लास वन क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री ठीक है तो जो एम एच सी रीजन वन होता है ठीक है इसमें अगेन तीन पार्ट्स होते हैं एच एल एच एल ए बी एंड एच एल ए सी जो कि एच एल ए बी और सी प्रोटीन्स को कोड करते हैं ठीक है और ये कोड जो होते हैं वो एम एच सी क्लास वन एम एच सी क्लास वन मोलिक्यूल की अल्फ़ा चेन को बनाते हैं ठीक है एम एच सी प्रोटीन एम एच सी वन प्रोटीन्स आर लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ ऑल न्यूक्टेड सेल ठीक है स्पम्ज सेल को छोड़ के सभी न्यूक्टेड सेल्स में होती हैं और प्लेटलेट्स में भी होती हैं ठीक है प्लेटलेट इज एक्सेप्शन क्योंकि प्लेटलेट में न्यूक्लियस uh, नहीं होता ठीक है तो नेचुरली दे आर एबसेंट इन आर बिकॉज आर में क्या है न्यूक्लियस इज एबसेंट ठीक है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दे प्रेजेंट द पेप्टाइड एंटीजन टू सी डी एट टी सेल ठीक है सी डी एट टी सेल जो होती हैं वो हेल्पर सेल्स होती हैं ठीक है थीके? तो वो पेप्टाइड एंटीजन को किसको देती हैं हेल्पर सेल्स को ठीक है ये पेप्टाइड कहाँ से आया ये बाहर से आया पेप्टाइड एंटीजन ठीक है याद रखेंगे जैसे ही हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंटर किया उसको ए पी सी सेल ठीक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक माइक्रोफेज उसने एनगल्फ किया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और उसका एक छोटा सा पेप्टाइड जो है वो ए पी सी के ऊपर जो एम एच सी क्लास में लगा होगा उसके साथ अटैच कर दिया इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन एंटीजन को प्रेजेंट करना और यहाँ पर ये ए पी सी करेंगी सी डी एट टी सेल जो कि होती है हमारे पास हेल्पर टी सेल ठीक है तो ये आ गया एम एच सी रीज़न वन का डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट है एम एच सी क्लास टू इट स्पैन ओवर वन थाउजेंड किलो बेस पेयर्स एंड कंप्राइज ऑफ थ्री रीजनस ठीक है डी पी डी क्यू एंड डी आर ठीक है ये क्या करती हैं द फॉर्म द अल्फा एंड बीटा चेंज ऑफ द एम एच सी क्लास टू मॉलिक्यूल ठीक है molecule, ये क्लास जो क्लास टू मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अल्फा और बीटा चेन को फॉर्म करती हैं ठीक है एमएचसी क्लास टू प्रोटीन्स ठीक है तो ये तीनों रीजन आ गए वन टू एंड थ्री एम एच सी क्लास टू प्रोटीन्स दे आर लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल याद रखेंगे वेरी केयरफुली एम एच सी क्लास वन जो होता है वो हमारी सभी सेल्स में होते हैं एक्सेप्ट द आरबीसी एंड द स्पर्म सेल्स जबकि एमएचसी क्लास टू प्रोटीन दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द ए पी सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल माइक्रोफेजि डेंड्राइटिंग सेल लैंगर हें सेल इवन टी लिम्फोसाइड एंड बी लिम्फोसाइड तो ये बहुत ही स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो सभी सेल्स में नहीं होता सिर्फ ए पी सी सेल्स में होता है और ये जो फ़ॉरन पेप्टाइड होता है उसको प्रेजेंट करता है सी डी फोर टी सेल्स को जो कि किलर सेल्स होती हैं ठीक है यहाँ पे हेल्पर सेल्स को किया था और यहाँ साइटोटॉक्सिक किलर सेल ठीक है एम एस सी रीज़न थ्री ठीक है इट इज़ आल्सो वन थाउजेंड के बी पी इन लेंथ बट इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द एंटीजन प्रेजेंटेशन ठीक है ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि ये क्या करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं सी टू सी फोर सी थ्री ठीक है एंड हीट शॉक प्रोटीन्स हैं नेक्रोसिस फैक्टर है हम आगे करेंगे डिटेल में उनको कोड करता है एमएचसी थ्री ठीक है तो मेनली यहाँ इंपॉर्टेंट है एमएचसी वन एंड एमएचसी टू प्रोटीन्स जो क्या करते हैं एंटीजन को प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं एंटीजन को प्रेजेंट करना है टू अवर इम्यून सिस्टम सेल्स ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल्स एम एच सी क्लास वन मोलिक्यूल तो हेयर आर द स्ट्रक्चर्स पिक्चर में आपको इसे फ्रिशली भेज दूंगी सो हेयर आर द स्ट्रक्चर एमएचसी क्लास वन रूटीन तो इट इज़ कम्पोज ऑफ अल्फ़ा चेन ठीक है ये है यहाँ से स्टार्ट होगी अल्फ़ा चेन ये सारी जो है दिस इज़ अल्फा चेन ठीक है इसका ये एंड जो अंदर होता है इट हैज सी ओ ओ ओ ओ एच रेजिड्यू ठीक है और ये वाला जो एंड होता है यहाँ पे होता है एन एच टू ठीक है दूसरी होती है एक छोटी सी चेन विच इज़ नोन है वीटा टू माइक्रोग्लोबलेन ठीक है अब अल्फा चेन के तीन पार्ट होते हैं अल्फा थ्री अल्फा टू अल्फ़ा वन ठीक है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी सरफेस पे अटैच है ये क्लास वन एम एच सी मोलिक्यूल जिसमें एक अल्फ़ा चेन है एक छोटी सी बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन है ठीक है अल्फ़ा चेन के तीन रीजन है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू एंड अल्फा थ्री कुछ ये मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है और कुछ ये मेम्ब्रेन के अंदर डूबा होता है पीस और यहाँ पे है सी ओ एच टू और यहाँ पे है एनएच टू एंड दिस इज बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन अब याद रखेंगे अल्फा चेन जो है ये कौन फॉर्म करता है जो जीन्स एमएचसी रीजन वन में थी एच एल ए बी एंड सी जबकि जो बीटा टू माइक्रोग्लोबून है ये कोई और जीन इसकी फॉर्मेशन को कोड करता है जो जीन इट इज अ नॉन एमएचसी जीन ठीक है जो एम एच सी कॉम्प्लेक्स हमने ये वाला पढ़ा था इसका पार्ट नहीं होता जो कि बीटा टू माइक्रोग्लोब को जो है वो कोड करता है ठीक है तो ये आ गया एमएचसी वन द एम एच सी टू एम क्लास टू ठीक है इसमें दो चेंज होती हैं अल्फा चेन एंड द बीटा चेन बीटा चेन के दो पार्ट्स होते हैं बीटा वन बीटा टू ठीक है ये भी थोड़ा सा मेमब्रेन uh, में इंबेडेड होता है और बीटा वन बीटा टू और अल्फ़ा के भी दो होते हैं अल्फा वन एंड अल्फा टू ठीक है तो ये आ गया क्लास टू एम एच सी मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्लास टू कहाँ होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे और क्लास वन कहाँ होते हैं ऑल द सेल्स ठीक है डिफरेंस याद रखेंगे अब यहाँ पे अल्फा वन और अल्फा टू के बीच में जो ग्रूव होता है वहाँ पे एंटीजन का पेप्टाइड बाइंड करता है जबकि एमएचसी क्लास टू में बीटा वन और अल्फा बीन के बीच में जो डोमेन होती है वहाँ पे पेप्टाइड जो है एंटीजन का वो बाइंड करता है ठीक है समझ में आ रहा है अल्फा वन और अल्फा टू के बीच में जो स्पेस है ग्रूव है यहाँ पे एंटीजन का पेप्टाइड बाइंड करेगा और एमएससी क्लास टू में अल्फ़ा वन और बीटा वन के बीच में जो ग्रूव है वहाँ पे एम एच सी वहाँ पे एंटीजन का पेप्टाइड जो है वो बाइंड करेगा और रिप्रेजेंट करेगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास एमएचसी क्लास वन एंड एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल्स ठीक है एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल्स द एंटीजन पेप्टाइड ग्रूव इज फॉर्म बाय द क्लेफ्ट बिटवीन अल्फा वन एंड बीटा वन बीटा टू डोमेन इंट्रैक्ट विद सी डी फॉर मोलिक्यूल ऑफ हेल्पर टी सेल्स ड्यूरिंग द एंटीजन प्रेजेंटेशन ठीक है नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में है एमएचसी पॉलीमोफिज्मीक है पॉलीमोफिज्म मीन्स मोर देन टू टाइप्स ऑफ जीन्स ठीक है आपको पता है जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक जीन के दो अलील्स होते हैं ठीक है एक वन डोमिनेंट वन रिसेसिव इफ मोर देन टू अलील्स आते देन इट इज नोन एज मल्टीपल अलील ठीक है तो जो ये एमएचसी जीन्स हैं ये भी मल्टीपल अलील होते हैं एक ही लोकाई पर वैसे तो दो ही अलील होंगे एक पेटरनल होगा एक मेटरनल होगा लेकिन डिफरेंट काइंड के होंगे जैसे आपने ब्लड ग्रुप में पढ़ा था ठीक है आई ए आई बी एंड ओ ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अलील्स होंगे हालांकि एक इंडिविजुअल में तो दो ही अलील आएंगे एक ही लोकस पे तो मल्टीपल अलील होता है दूसरा प्लियोमफिज्म प्लीओमॉर्फिज्म मीन्स ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये Uh, बहुत सारी शेप्स में ये डिफरेंट डिफरेंट भी बन जाते हैं प्लियोमारफिजम तो इससे क्या होता है बहुत सारे एंटीजन के लिए मीन्स फॉर अ वाइट स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एंटीजेनिक पेप्टाइड्स देर आर डिराइव फ्रॉम द वेरियस एंटीजन देर इज लाइक वाइज नीड ऑफ डिफरेंट एमएचसी मॉलिक्यूल्स दैट आर केपेबल ऑफ रिकोगनाइजिंग दिज पेपटाइड इसीलिए प्लियोम्फिक होते हैं ताकि मोर देन मीन्स अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीजन दे कैन बी रिकोगनाइज मल्टीपल एल्स मल्टीपल जीन्स एट द सेम लोक आई मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ अलील ठीक है एंड को डोमिनेट एक्सप्रेशन तो एम एच सी जीन्स जो होते हैं वो दोनों जीन्स जो होते हैं एक पेटर्नल साइड से आता है एक मदर से आता है एक फादर से आता है और दोनों जो होते हैं वो इक्वली डोमिनेंट होते हैं इक्वली एक्सप्रेस करते हैं ठीक है नाउ दीज आर द डिफरेंसेज आर द डिफरेंस बिटवीन क्लास वन एम एच सी मॉलीक्यूल्स एंड क्लास टू एम एच सी मॉलीक्यूल्स फर्स्ट डिफरेंस इज दियर location so class 1 mhc molecules they are present on all the cells okay so they mark the cells as self that means these cells they belong to a particular person while class 2 mhc molecule they are present on the surface of all antigen presenting cells antigen presenting cell you know special cells of the immune system सो क्लास टू आर प्रेजेंट ऑन द ए पी सी सेकेंड पेप्टाइड एंटीजन मैंने आपको बताया था कि क्लास वन मोलिक्यूल हो चाहे क्लास टू मोलिक्यूल हो उनका मेन काम क्या होता है जो एंटीजन का पेप्टाइड होता है एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि ए पी सी ने ब्रेकअप किया हुआ है उसको ये प्रेजेंट करती हैं इम्यून सेल्स को तो क्लास वन एम एच सी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रजेंट करते हैं टू सी डी एट टी सेल्स जो कि हेल्पर टी सेल्स होती हैं और क्लास एमएचसी मोलिक्यूल प्रेजेंट करते हैं टू सी डी फोर टी सेल्स जो कि साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द पेप्टाइट एंडीजन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्लास वन में इट इज़ एंडोजीनियस ठीक है तो यहाँ पे एंटीजन जो होता है एंटोजीनियस होता है बाहर से नहीं आता ठीक है जैसे कोई वायरस बॉडी की किसी सेल में मल्टीप्लाई किया है तो वो वायरल जीन या कैंसर का कैंसर सेल का एंटीजीन एंटीजन ठीक है तो वायरल और एंटीजन जो कि सेल के अंदर खुद ही डिवल्प होता है जबकि जो क्लास टू एम एच हैं इसमें एंटीजन होता है एक्जोजीनस मींस बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया एक्सोजीनस सोर उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको फेगोसीटाइज किया ठीक है एंडोसाइटोसिस हुई फिर वो अंदर गया ए के और वहाँ पर उसको ब्रेकअप किया गया तो बाहर से वायरस बैक्टीरिया आया तो ये प्रेजेंट किया जाता है बाय एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल्स जबकि जो हमारी सेल्स के अंदर ही है ऑलरेडी कोई वायरस मल्टीप्लाई हो चुका है या कोई ट्यूमर सेल है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो होती है क्लास वन एम मॉलिक्यूल्स की ठीक है पेप्टाइड एंटीजन का साइड ठीक है तो एमएचसी क्लास वन में ये छोटा होता है एट टू टेन अमाइनो एसिड इसकी लेंथ होती है जबकि एमएचसी क्लास टू में द लेंथ इज थर्टीन टू एटीन अमाइनो एसिड ठीक है एंटीजन प्रेजेंटेशन पाथवे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सो जस्ट रिमेंबर नाउ दैट इन क्लास वन मॉलिक्यूल इट इज साइटोसोलिक पाथवे एंड इन एमएससी क्लास टू इट इज़ थ्रू द एंडोसाइटिक पाथवे वी विल डू इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर पेप्टाइड बाइंडिंग साइट ठीक है तो एमएससी क्लास वन में हमने स्ट्रक्चर में भी बताया था जो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट होती है दैट इज बिटवीन अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू के बीच में जो क्लेफ्ट होता है ठीक है जो डोमेन होती है वहाँ पे एंटीजन पेप्टाइड अटैच करेगा जबकि एमएचसी ये है क्लास टू मॉलिक्यूल यहाँ पे अल्फ़ा वन और बीटा बन के बीच में जो क्लेफ्ट होती है वहाँ पे जो है वो एंटीजन बाइंड करता है ठीक है पेप्टाइड बाइंडिंग साइट होगी नेक्स्ट सी डी फोर और सी डी एट बाइंडिंग ठीक है तो अल्फा थ्री बाइंड्स टू सी डी एट मोलिक्यूल ऑन टी सेल ठीक है जबकि एम एच सी क्लास टू में बीटा टू बाइंड्स टू सी डी फोर ऑन द टी एच सेल ठीक है साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी हेल्पर सेल्स सो दिस इज ऑल अबाउट द एम एच सी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही